आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्बले भात, जिसको हिंदी में सांबर भात बोलते हैं। यह कर्नाटका का बहुत प्रसिद्ध डिश होता है, इसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले 1.5 पाव चावल को 1 पाव तुअर की दाल डाल के अच्छे से उसको धो के रख लीजिए। धोने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है। स्वाद के अनुसार नमक और बघार के लिए थोड़ा सा तेल, 1-2 चम्मच तेल, छोटा चम्मच तेल बघार के लिए, और फिर थोड़ा सा घी हमको सांभर भात बनने के बाद यह ऊपर से डालना चाहिए। और एक बैंगन को छोटा सा काट लीजिए, और एक कैप्सिकम, हरा कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्ची बोलते हैं, वो हरा भी काट सकते हैं, चाहिए तो लाल शिमला मिर्ची जो आता है उसको भी एक काट के अलग से रख लीजिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार है, आप हरा नहीं तो लाल दोनों में से किसी एक को डाल सकते हैं शिमला मिर्च में। 2 बड़े प्याज को अलग से काट के रख लीजिए, 2 टमाटर को अलग से काट के रख लीजिए, और 3 आलू को छिलका उतार कर अलग से काट के रख लीजिए। बीन्स 100 ग्राम बीन्स और 100 ग्राम कैरेट को अलग से काट के रख लीजिए, और फिर 1 चुटकी हींग और राई को, 1 चम्मच राई को अलग से रख लीजिए। और यहाँ यहाँ सूखा नारियल जिसको खोपरा बोला जाता है हिंदी में उसमें, और 4-5 टेबल स्पून सांबर पाउडर को अलग से पानी डालकर ग्राइंड कर लीजिए। और ये सूखा नारियल की मात्रा सिर्फ थोड़ा सा ही होना चाहिए। ग्राइंड पानी में ग्राइंड करने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है। ये 50 ग्राम इमली को अलग से भिगो के रख लीजिए, और तो एक एक कप कड़ी पत्ते को अलग से रख लीजिए, और इसमें हरा मटर भी डालिए। हरा मटर डालने से बहुत स्वादिष्ट होता है। अब हाँ, सबसे पहले कढ़ाई को गरम करिए। गरम करने के बाद इसको 2-3 स्पून तेल डालिए बघारने के लिए, छोटा स्पून में। गरम होने के बाद राई और हींग डालिए। अब राई चिपचिट होने के बाद प्याज को डालिए। साथ में टमाटर भी डालिए। कैप्सिकम और बैंगन भी डालिए। इसी वक्त में आप हरा हरा मटर भी डाल सकते हैं। सभी को 1-2 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़िए। आलू डालिए। मिर्च को डालिए। अब 2-3 गिलास पानी, बड़े गिलास में पानी डालकर सब्जी को पकने के लिए छोड़ दीजिए। पंद्रह से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिए। खाली कुकर में सबसे पहले 2 गिलास पानी डालिए, और उसके बाद दाल चावल को धोकर है, और उसमें कम से कम नहीं तो भी 4-5 से गिलास पानी डालकर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर, अब कुकर को ढक के रख दीजिए। कम से कम 3-4 सीटी में एटलीस्ट ये दाल और चावल को पकाना चाहिए। अभी ये सभी सब्जियां पकने के बाद ऐसा दिखाई देता है। इसमें कड़ी पत्ता डालिए। पिसा हुआ ड्राई कोकोनट के साथ सांबर पाउडर को डालिए, सांबर के मसाले को डालिए। ये सांबर पाउडर मैं बनाने की विधि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ।
मेरे घरेलू रेसिपीज में है। ये डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, 2 गिलास पानी। अब इमली का पानी डालिए, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा इमली का पानी डालिए, नहीं तो थोड़ा सा ही डालना पड़ता है, मैंने कम से कम नहीं तो भी 1.5 कप डालना पड़ता है। अब इमली का पानी डालिए, इसको अच्छे से मिलाइए। स्वाद के अनुसार नमक डालिए, कम से कम 2-3 स्पून डालना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा नमक चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाइए और गैस को ऑन करके इसको उबालने के लिए छोड़ दीजिए। और एक अगर ये सांभर थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो इसमें 1-2 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। इच्छा के अनुसार शक्कर भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, अगर इच्छा रहा तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। सांभर को अच्छे से 10-15 मिनट उबालने के बाद ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें पका हुआ दाल और चावल जो हम कुकर में 4-5 सीटी डाल के पका लेते हैं उसको डाल दीजिए। सभी दाल चावल को एक साथ डालिए और अच्छे से मिला दीजिए, मिला के कम से कम नहीं तो भी 10-15 मिनट इसको खोलने के लिए छोड़ दीजिए और चम्मच चलाते रहिए ताकि नीचे जल ना पाए। हाँ, पका हुआ दाल चावल, पके हुए सब्जियाँ सब और सांभर वगैरह सब बनने के बाद उसको अच्छे से उबाल के दाल चावल सब डालने के बाद उबालने के बाद ये ऐसे दिखाई देता है। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा 2 चम्मच घी डालते हैं, ये और भी स्वादिष्ट होता है घी डालने से।